हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ एक लड़की ने, एक एक्ट्रेस ने, और उनको मॉडल भी बताया जा रहा है, उन्होंने रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि बेल बॉटम के सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी ने उनके साथ जबरन रेप किया और उनको तमाम यातनाएं दी, उनको मारा पीटा। सो कॉल्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब बेल बॉटम के कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जिसका नाम सामने आ रहा है वो है वैभव विशांत, और उन्होंने सामने आकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है बेल बॉटम से खामखामे आयुष तिवारी का नाम जोड़ा जा रहा है, और वो भी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर के पद पर यहां पर है ही नहीं। वैभव विशांत का ये कहना है कि कास्टिंग डायरेक्टर के पद पर यहां पर मैं हूं, सारी चीजें मैं देख रहा हूं, और जहां तक बात है आयुष तिवारी की तो ये एक प्रोपोगेंडा है फिल्म को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाने का, क्योंकि अगर हम आयुष तिवारी की बात करें तो वो यहां पर कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, वो यहां पर महज एक इंटर्न है, और इंटर्न की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये उनका अपना मामला है। इससे फिल्म को, इससे अक्षय कुमार को, इससे फिल्म की लीड स्टार कास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ऑडियंस को पढ़ना चाहिए। तो ये बोला है कास्टिंग डायरेक्टर वैभव विशांत ने। उन्होंने ये भी कहा है कि निजी तौर पर आयुष तिवारी को यहां पर अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं क्योंकि वो महज एक इंटर्न है, उनका फिल्म से, उनका किसी स्टार कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसे में कोई उन पर आरोप लगा रहा है तो भले ही पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, उससे फिल्म बेल बॉटम को ना जोड़ा जाए। तो ये सफाई पेश की गई है वैभव विशांत की तरफ से। आपको बता दें बेल बॉटम के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी पर रेप का आरोप, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर कल वायरल हो रही थी, और जो ये लड़की बताई जा रही है जिन्होंने आरोप लगाए हैं, ये एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कई सारी OTT वेब सीरीज में काम किया है, और इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल्स किए हैं जिन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि आयुष तिवारी ने उनको शादी का झांसा दिया था, कई साल से रिलेशनशिप में थे और उसके बाद शादी से मना कर दिया था। तो अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बेल बॉटम के कास्टिंग डायरेक्टर खुद को बताते हुए ये वैभव विशांत आगे आए हैं, देखना होगा इसका असर फिल्म पर किस तरह से पड़ता है, क्योंकि पहले ही बेल बॉटम का बहिष्कार सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की वजह से हो रहा है। लोग अक्षय कुमार को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लक्ष्मी बेस्ट एग्जांपल, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से लक्ष्मी की बेहद किरकिरी हुई है। माना यह जा रहा था कि फिल्म बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती थी, और चूंकि वो थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई तो वो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कुछ ऐसा ही अब बेल बॉटम के साथ भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रोवर्सी जाहिर तौर पर बेल बॉटम की, अक्षय कुमार की और उसकी पूरी स्टारकास्ट की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकती है।